हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि किलोवाट को एचपी में कैसे बदला जाए और एचपी को किलोवाट में कैसे बदला जाए। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है हाउ टू कन्वर्ट किलोवाट टू एचपी एंड हाउ टू कन्वर्ट एचपी टू किलोवाट। किलोवाट केडब्ल्यू का फुल फॉर्म किलोवाट होता है और एचपी का फुल फॉर्म हॉर्स पावर होता है। यह दोनों ही पावर की एक यूनिट होती है। किसी किसी मोटर पर किलोवाट लिखा होता है, किसी किसी मोटर पर एचपी लिखा होता है। तो हमें किसी भी इंटरव्यू के क्वेश्चन में या फिर डेली रूटीन में, या अगर हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो यह हमें बहुत जल्दी निकालना जरूरी होता है कि केडब्ल्यू को एचपी और एचपी को केडब्ल्यू में कैसे बदला जाए। हम बार बार ऐसा पूरा फॉर्मूले की सहायता से हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि किलोवाट और एचपी को कैसे निकाला जाता है, और बाद में मैं आपको वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि शॉर्ट फॉर्म इसका जो शॉर्ट प्रोसेस होता है कैसे होता है, हम कैसे जल्दी से जल्दी आसानी से कैसे किलोवाट को एचपी में और एचपी किलोवाट बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार हमें इतना फार्मूला लगाकर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये केवल समझाने के उद्देश्य से है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जानना चाहेंगे हम कि किलोवाट को एक किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट और एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। यह दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को हमें नहीं भूलना है। एक तो कौन एक किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है और एक एचपी बराबर 746 वाट होते हैं। अब हम एक एग्जांपल की सहायता से कि देखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। अभी हमने देखा कि 10 किलोवाट को हमको एचपी में निकालना है कि 10 किलोवाट मतलब कितना एचपी होता है और 10 एचपी में कितना किलोवाट होता है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, इससे देखेंगे कि 10 किलोवाट बराबर होता है 10000 वाट हो जाएगा। एक में 1000 का गुणा करने पर वाट आया, तो ऐसे ही 10 किलोवाट में 1000 का गुणा करेंगे तो 10000 वाट आएगा। और वैसे ही एक एचपी में अगर 746 वाट होता है तो 10 एचपी में 746 का गुणा करेंगे तो 7460 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमको किसी भी चीज़ को दूसरी क्वांटिटी में परिवर्तित करना होता है तो उसी संख्या का डिवाइड करना होता है। इसलिए जब भी हम 10 किलोवाट को एचपी में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले हम इसके वाट में बदलेंगे, और वाट में बदलेंगे तो हमने क्या किया, 10 किलोवाट को वाट में बदला तो 10000 वाट आया उसमें, और 1 किलोवाट में कितने, 1 एचपी में कितने वाट होते हैं 746, तो हमने 10000 को 746 से भाग देंगे। तो 10000 को 746 पे भाग देने में क्या आएगा, हम देखते हैं यहाँ पे 10000 भागित 746 या आपका आया 13.40। ठीक है, तो हमारा आया 13.40। तो यह हो जाएगा आपका एचपी, यानी कि 10 किलोवाट में आपका 13.40 एचपी होगा। ऐसे ही हम एचपी से किलोवाट निकालेंगे तो 10 एचपी बराबर क्या हुआ, 746 को गुणा करा तो 7460 वाट आया। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चीज़ को दूसरी क्वांटिटी में परिवर्तित करना हो तो उस चीज़ से हमको भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि हमको 7460 में 1000 का भाग देना होगा, तो जिससे वह संख्या वाट बन जाएगी। इससे हो जाएगा 10 एचपी में हमने 1000 का भाग दिया तो क्या होगा, भाग देने से आपका क्या आएगा, क्या हो जाएगा आपका 7460 भागित 1000, ये आपका आया 7.46, यानी कि 7.46 किलोवाट। ठीक है, तो इससे हमको ये स्पष्ट हुआ कि 10 एचपी में 7.46 किलोवाट होते हैं। ठीक है, और वैसे ही अभी हमने देखा कि 10 किलोवाट में 13.04 एचपी होता है। अब मैंने आपको जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको बार बार ये पूरा फार्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, आप किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं कि कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए आपको कभी भी जैसे निकालना होगा तो उसके लिए, माना कि मैं 5 HP के एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर आपको 5 किलोवाट की मोटर में कितने HP होते हैं यह अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, केवल 5 में 0.746 का भाग देना है। मैं आपको भाग देके बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे आप। तो जैसे कि आपने 5 में 0.746 का भाग दिया है, आपका आया 6.70, यानी कि 5 किलोवाट में आपका 6.70 एचपी होगा। यह अगर आप पूरी प्रोसेस से निकालेंगे तब भी यही होगा, और ऐसे शॉर्टकट में भी आपको यही ध्यान देना है केवल। और यहीं पे हमको आपको दूसरा कि बार बार संख्या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी संख्या से जैसे आपको 5 HP के एग्जांपल यहाँ लेके बताऊंगा मैं कि 5 HP में कितने किलोवाट होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि
पाँच में 0.746 का गुणा करना होगा। जैसे कि आपने अभी किलो वाट में डिवाइड किया वैसे गुणा करना हो, तो जैसे कहेंगे 5 × 0.746 आपका है 3.7 किलो वाट, यानी कि 5 HP में 3.7 किलो वाट होगा। यही फार्मूला आप किसी भी किलोवाट की मोटर को HP बदलने के लिए कर सकते हैं और किसी भी HP को किलोवाट बदलने के लिए कर सकते हैं। आपको केवल आपको यह याद रखना है कि किलोवाट से HP में बदलने के लिए आपको 0.746 से भाग देना है और HP से किलोवाट में बदलने के लिए 0.746 का मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको हमेशा किसी भी चीज़ का आप आराम से KW से HP और KHP से KW में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते ताकि मैं जब भी कुछ वीडियो बनाऊँ वह आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।